खबर शिवपुरी से आ रही है। शिवपुरी कलेक्ट्रेट में आज विकलांग युवक ने आर्थिक सहायता राशि की लगाई गुहार। युवक 3 साल पहले शादी से लौट रहा था, तभी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया और वाहन मौके से फरार हो गया। आज कलेक्टर से युवक ने आर्थिक सहायता राशि की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार रतिराम जाटव पुत्र उदुआराम जाटव निवासी ग्राम बघोदा थाना सिरसौदा ने कलेक्टर जनसुनवाई में दिए आवेदन में बताया कि उसकी पत्नी एवं 3 बच्चे हैं और बच्ची शादी के योग्य है। आज से लगभग 3 साल पहले वह शादी से लौट रहा था, तभी 4 लाइन पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उस चलते उसका पैर टूट गया। इस संबंध में कोई रिपोर्ट भी नहीं हुई और आज दिनांक तक उक्त वाहन का पता नहीं चला है, जिसके कारण वह काफी परेशान है और इलाज कराने में असमर्थ है। उसने जमीन भी बेच दी है और अब वह इलाज नहीं करा सकता है, जिसके चलते उसने आज कलेक्टर से आर्थिक सहायता राशि की गुहार लगाई है, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। शिकायत के बाद जनसुनवाई के अधिकारियों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को फोन किया और युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। रतिराम आ रहे थे हो? बागोदा कलेक्ट्रेट क्यों आए थे आप? कलेक्ट्रेट के पास आए हम। क्या हो गया? एजेंट हो गया। हुँ? कब हुआ? वो 2 साल हो गए सर। फिर क्या समझ आ रही थी तुम्हें? चला पर नहीं आ रहा मैं, मोहताज परेशान बड़ी परेशान है बिल्कुल। और आवेदन बनवाए, आवेदन देखे कलेक्टर साहब ने पूछा है सरकारी अस्पताल में तुम बैंप करवा लो एक्सरे वगैरह, और जब बैंप पहुंची पर्ची बना दी सब बना दे, बिगुल की आप साहब हम नहीं बन पा रहे, नहीं बना रहे हम, नो कह रहे हैं बच गए सुनो बटान बच गए, तो फिर वो नहीं क्या।